कभी ये आईपीओ कभी वो आईपीओ। 2021 में आईपीओस की धूम मची रही, पर कुछ ऐसे आईपीओस निकले जिन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। इतना ट्रेंड करे कि लोगों ने गूगल करना स्टार्ट कर दिया कि आईपीओ आखिर होता क्या है और इसमें हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपीओस निकालने का कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है कंपनीज के लिए, पर पिछले कुछ सालों में जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट इसमें बहुत ज्यादा बढ़ गया है। स्पेशली 2021 में जब बहुत सारे ऐसे कंपनीज जिनका नाम घर घर में मालूम है, उन्होंने जब अपने आईपीओस निकाले तो इसमें इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया। हाय, मैं हूँ नेहा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं zbiz.com और आज हम बात करेंगे 2021 के बेस्ट आईपीओ मोमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं Zomato आईपीओ। Zomato इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फूड डिलीवरी कंपनीज में से एक है। जुलाई में जब Zomato ने अपना आईपीओ निकाला तो स्टॉक मार्केट में इसकी एंट्री काफी ग्रैंड रही। अगर मार्केट वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 1,00,000 करोड़ का मार्क इसने क्रॉस कर दिया। लोगों को Zomato आईपीओ में इतना ज्यादा फेथ था, इतने इन्वेस्टर्स को इतना ज्यादा फेथ था कि उन्होंने इसको 38 टाइम्स ज्यादा सब्सक्राइब करा। सेकंड है पेटीएम आईपीओ। पेटीएम एक ऐसा नाम है जिसने इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस को एक अलग ही लेवल पे लाकर खड़ा कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने इतना ट्रस्ट बिल्ड किया कि एक सीईओ से लेकर एक सब्जी वाला तक सब पेटीएम यूज करते हैं। इंडिया को डिजिटलाइज करने में भी इसका काफी पिवोटल रोल रहा है। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिनटेक कंपनीज में से एक पेटीएम ने जब बोला कि वो अपना आईपीओ निकालने वाले हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इवन दो पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी है। पेटीएम का जो आईपीओ था वो इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री में सबसे बिगेस्ट, अब तक का सबसे बिगेस्ट आईपीओ रहा। पर फिर भी एक्सपर्ट्स का कहना कुछ और था, क्योंकि जो इसका प्राइस बैंड था वो बहुत ही ज्यादा हाई था। एनालिस्ट का ये भी कहना था कि जो इसका मार्केट डेब्यू हो सकता है वो काफी वीक हो सकता है, और ऐसा ही हुआ। इसका जो मार्केट डेब्यू था वो 26% फॉल से हुआ। कंपनी के बजाय आपको अपने आप के बारे में सोचना है, क्या आप एक लॉस मेकिंग आईपीओ में फ्यूचर का सोचकर कि आगे का भविष्य का सोचकर लगाना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। एक लॉट में 15,000 रुपए की रिस्क होती, कोई खास बड़ी नहीं होती। तो अगर आपकी वो रिस्क लेने की ताकत है कि भाई मेरा है ना कितना 1150 में क्या है प्राइस, 1050 से 1150, 1150 वाला मेरा 800 हो जाए, 900 हो जाए, 1000 हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो आप लगाइए। अगर आपको लगता नहीं नहीं, और दूसरा ये कि इसमें अलॉटमेंट मिलेंगे, नहीं तो आमतौर पर अलॉटमेंट आते नहीं है आपके आईपीओ इसमें मिलेंगे, मिल ही जाएंगे ना, 18,000 करोड़ का आईपीओ मिल ही जाएगा ना, तो अलॉटमेंट मिलने की संभावना है। तो अगर आपका छोटा सा पैसा लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से लगाइए, रिस्क लेकर लगाइए ये सोच के कि मेरे नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये सब चीजें नहीं जमती छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। तीसरा है नाइका का आईपीओ। हजारों ब्यूटी ब्रांड्स और फैशन ब्रांड्स को हम तक लाने वाले नाइका ने भी इस साल अपना आईपीओ निकाला और स्टॉक मार्केट पे बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया। इन्वेस्टमेंट बैंकर फाल्गुनी नायर ने 2012 में नाइका को लॉन्च किया था और आज की डेट में नाइका वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट्स में से एक है। चौथा है लेटेंट व्यू। लेटेंट व्यू इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग डेटा एनालिटिक्स कंपनीज में से एक है, और अगर बात करें इसके आईपीओ की तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में घर घर ना पता हो, ये एक हाउसहोल्ड नेम नहीं है, पर अपने बुक्स के बेसिस पर इसने स्टॉक मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म किया। 600 करोड़ के इस आईपीओ को रिकॉर्ड बिड्स मिले जो कि वर्थ ₹1,13,000 करोड़ थे। इससे पहले पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज को भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जो कि 304 टाइम्स ज्यादा सब्सक्राइब किया गया था। अब अगर हम पारस डिफेंस की बात कर रहे हैं तो चलिए उसके आईपीओ की हम बात करते हैं। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज का जब आईपीओ निकला तो इन्वेस्टर्स को 300% ज्यादा रिटर्न जनरेट करके इसने दिया। जो ये कंपनी है ये डिफेंस सेक्टर में काफी एक डोमिनेंट कंपनी है, इसलिए जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो काफी नीच हैं, और शायद इसी वजह से इसने मार्केट में काफी ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म किया। सिक्स्थ है बारबेक्यू नेशन। बारबेक्यू नेशन इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट चेन्स में से एक है। इसके अंडर यूबीक्यू बाय बारबेक्यू नेशन और टोस्कैनो रेस्टोरेंट्स की चेन्स भी आती हैं। बारबेक्यू नेशन ने जब अपना आईपीओ निकाला तो इसका जो रिस्पांस था वो थोड़ा सा म्यूटेड ही रहा, थोड़ा ठंडा ही रहा, क्योंकि इसको 5.98 टाइम्स ही सब्सक्राइब किया गया। जो इसका टोटल साइज था आईपीओ का वो था 453 करोड़। अब लास्ट में बात करते हैं देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड की। 1991 में आया देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड यम ब्रांड्स की वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइजीज में से एक है। इसके अंडर KFC, टाको बेल और पिज्जा हट जैसे ब्रांड्स भी आते हैं। देवयानी इंटरनेशनल के 655 से ज्यादा स्टोर्स हैं जो कि इंडिया की 155 सिटीज में फैले हुए हैं। इसी वजह से इसका जो पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इसने मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि इसके अंडर बहुत सारे ग्लोबल ब्रांड आते हैं।
तो ये था इस साल के सबसे प्रोमिनेंट आईपीओस के बारे में। आईपीओस के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। देखते रहिए zeewiz.com।